स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट पर साफ होने के बाद इसके नफा नुकसान को लेकर भी आंकलन शुरू हो गया है। एक तरफ जहां इस परियोजना के सामने सड़कों की चौड़ाई को लेकर आई अड़चन को दूर करने के बाद काम में तेजी आने और परियोजना के समय से पूरा होने की बात कही जा रही है, वहीं इस तेजी में पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर भी गहरी चिंता जताई जा रही है। करीब 12,000 करोड़ रुपए और की 889 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड परियोजना के कामों में अब तेजी आएगी और सुप्रीम कोर्ट की रोक हट जाने के बाद अब ऑल वेदर परियोजना का बचे कार्यों के पूरे होने का रास्ता भी साफ हो गया है। धार्मिक पर्यटन और सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण ये परियोजना अब समय से पूरी हो जाएगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने जनरल बिपिन रावत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यहाँ से लोगों का प्लान होता है क्योंकि उत्तराखंड में आपको रोजगार नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, यह सवाल आपको पूछना है। इसका कारण है, कारण यह है कि जो आपको रोजगार दे सकते हैं छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले दुकानदार, उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। सेना और सरकार के बीच में जबरदस्त रिश्ता था। सरकार सेना की सुनती थी, सेना सरकार की सुनती थी, एक दूसरे का आदर करती थी, कम्युनिकेशन था। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, इसीलिए पाकिस्तान को 13 दिन में हराया। उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह आज सैनिक स्कूल घोड़ाखाल पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय में बने शक्ति स्मारक का शुभारंभ किया। उन्होंने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही भारतीय सेना के लिए विद्यालय के योगदान पर भी विस्तार से बात की। साथ ही युवाओं को भारतीय सेना में करियर बनाने से जुड़े कई अहम टिप्स भी दिए। चमोली में गोपेश्वर स्थित शहीद पार्क में विजय दिवस की स्वर्ण जयंती आयोजित की गई। वहीं समारोह में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, CDO वरुण चौधरी, SDM हेमंत वर्मा, जिला स्तरीय अधिकारी, नागरिकों और पूर्व सैनिकों ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बलिदान को नमन किया और सभी देशवासियों को विजय दिवस की बधाई दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर 1971 के विजय शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चमोली की तस्वीर दिखा रहे हैं, उत्तरकाशी की कालाडूंगी, पौड़ी की चार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और सभी ने श्रद्धांजलि दी। आज पूरे देश में विजय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और आज ही के दिन में भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना पर एक बड़ी विजय हासिल की थी। लगभग 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण किया गया था और आज के दिन पे पूरे देश में जो है विजय दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोग भी आज पौड़ी में आए थे। हम लोगों ने भी जितने लोग शहीद हुए पौड़ी ज़िले के, उन सबको आज श्रद्धांजलि दी है। और मैं फिर अपनी सरकार की ओर से कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पाँचवा धाम जो बना रही है उसमें सारे शहीदों के जो है वहाँ पर एक
पट लगाए जाएंगे। क्या कहेंगे आप? आज हमने विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो शहीद स्मारक है उस पर हमारे जो गढ़वाल मंडल के 271 शहीद जो 1971 की लड़ाई हुई थी उसमें हुए थे उन सबको नमन किया है। हमारे पूरी जनपद के भी 33 सम्मानित शहीद हुए थे उन सबको नमन किया और सबको याद किया। 16 दिसंबर 2021 को हम विजय दिवस मना रहे हैं। विजय दिवस 1971 की लड़ाई के जीत के जो हमने विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान के ऊपर उस संदर्भ में मनाया जाता है। और विशेषकर ये तो सब विदित है कि ये एक ऐतिहासिक जीत थी जो अपने आप को विश्व के इतिहास में दर्ज हुई है, जिसमें पाकिस्तान की हुजूरी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। और इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान की जल थल या वायु सेना 1/4 तक घटाकर कम कर दी गई थी। हम प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान में 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं ताकि हम उन शहीदों का सम्मान कर सकें, उनकी याद स्मरण कर सकें जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे उत्तराखंड राज्य से 271 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसमें से जनपद पौड़ी से 33 हमारे वीर जवानों ने अपनी आहुति प्राणों की आहुति 1971 की लड़ाई में दी थी। उन सबकी याद में और उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और विशेषकर जीत का जश्न मनाने के लिए आज के तौर पर आज के दिन पर हम लोगों ने विजय दिवस का आयोजन किया यहाँ पे पौड़ी में, जनपद पौड़ी में। ये विजय दिवस अपने आप में गौरवान्वित करने वाले क्षण होते हैं। आज के ही दिन पर सन 1971 में भारत ने पाकिस्तान जैसे देश के दो टुकड़े करके एक नए देश का उदय इस पूरी दुनिया में हुआ था और पूरी दुनिया ने देखा कि बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा था, जिसको भारतीय जो सेना है उन्होंने अपने कौशल से, रण कौशल से इस युद्ध को जीता था पाकिस्तान से। और मैं आपको बताना चाहूँगा उस समय 90,000 से ऊपर की जो उनकी सेना थी पाकिस्तान की, जिसके जो मुखिया था जनरल नियाजी, उसने आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के सामने। एक अद्भुत क्षण था आज भी हम सबको, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस युद्ध को देखा नहीं था, उस युद्ध की जो का जो रण कौशल रहा होगा, आज भी हमारे मध्य वो सैनिक मौजूद हैं जिन्होंने उस युद्ध को लड़ा। मुझे वो अपनी गाथाएं सुनाते हैं तो अपने आप में लगता है हमारा देश का सैनिक वाकई विश्व में सर्वश्रेष्ठ सैनिक। रुड़की विधानसभा से चंद्रशेखर आजाद की रैली में भारी जनसैलाब ने विपक्षी दलों में खलबली मचा दी है। वहीं मंच से 3 प्रत्याशियों की घोषणा भी हुई। आजाद समाज पार्टी के रुड़की उम्मीदवार गुल बहार अली ने कहा कि रुड़की शिक्षा नगरी अनेकों मुद्दों से विहीन है जिन्हें उनके विधायक बनने के बाद पूरा करेंगे। शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी के साथ जल भराव की समस्याओं से रुड़की की जनता काफी त्रस्त है। वहीं उन्होंने कहा कि अब ये चुनाव जातिवाद से हटकर लड़ा जाएगा और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चला जाएगा। एक तो शिक्षा का मुद्दा, एक बेरोजगारी और एक साफ सफाई। जैसे हमारे पास में देव नगरी है, देखने आने वाले पर्यटक को, बाहर से आने वाले लोगों को रुड़की को देख कर ऐसा नहीं लगता कि देव नगरी है। यहाँ से अब बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी बचा रखी है और कोई ध्यान नहीं दिया गया, सरकार किसी तरह का कोई ध्यान नहीं, ना शिक्षा पर ध्यान है, ना स्वास्थ्य पर ध्यान है लोगों के, ना हॉस्पिटल मेंटेन, यहाँ कोई चीज़ अब तक जो है ना कोई मेंटेन नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लालकुआ पहुंचे, जहां पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मनीष सिसोदिया ने लालकुआ में रेलवे प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्थानीय बच्चों से मुलाकात भी की और लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया भी वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया की, जहां पर वो बच्चों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अभी इस समय लालकुआं के एक स्कूल में खड़ा हूं, सरकारी स्कूल में। ये नैनीताल का एक सरकारी स्कूल है उत्तराखंड में, और बहुत दुख हो रहा है देख के कि 21वीं सदी में हमारे देश के बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है जहां पे
छत है, ये टीन की छत लगी हुई है। नीचे एक दो तीन क्लासरूम यहाँ लगे हुए हैं, एक टीन के शेड में यहाँ लगे हुए हैं, तो ये चार चार क्लासरूम तो इसके यहाँ लगे हुए हैं। एक कमरा प्रिंसिपल साहब का बना हुआ है और एक कमरे में तीन शेड में बच्चे पढ़ते हैं। 150 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, 160 बच्चे मुझे बताया बच्चों ने। नीचे बैठते हैं बच्चे, उत्तराखंड के बच्चे जो हैं वो उत्तराखंड का भविष्य हैं, और उत्तराखंड की सरकारों ने, अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये स्कूल बनवाए हैं, देख लो ये बड़े चौड़े होते हैं जी, हमने स्कूल बनवा रखे हैं, ये स्कूल बनवाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तीन शेड ऊपर से और नीचे ब्लैक बोर्ड, दीवार पे कुछ नहीं है, पेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस ईंट की सीधी दीवार और उस पर एक ब्लैक स्पॉट बना दिया। तो हालात में कितना, ऐसे में उत्तराखंड के बच्चों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मजाक किया है, उसके पहले कांग्रेस ने भी मजाक किया है। उत्तराखंड के लोगों ने बहुत भरोसा किया इन लोगों पे कि ये लोग उनके बच्चों को कुछ देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। दिल्ली में अगर 5 साल में ये हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता। चमोली के दशोली विकास खंड के फरसवान फाट को जोड़ने वाली चमोली लासी सरतोली मोटर मार्ग मजोठी के पास से बाधित हो गया था, जिससे क्षेत्र के तमाम लोगों को परेशानी हो रही थी। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। चमोली जिले के दशोली विकास खंड के फरसवाण फाट को जोड़ने वाली चमोली लासी सरतोली मोटर मार्ग मंगलवार को मजोठी के पास अवरुद्ध हो गया था, जिससे क्षेत्र के सैम डुगरा, नेथौली, थैली, मैड और सरतोली गांव का यातायात ठप हो गया है। वाहन चालकों का कहना है कि ब्लॉक से लेकर जिला प्रशासन से सड़क के सुधारीकरण की मांग की, लेकिन कोई सहायता नहीं मिल पाई है, जिससे जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संबंधित विभाग के द्वारा एक बार का डामरीकरण का काम भी किया जा चुका है, लेकिन वो भी कुछ दिन ही टिक पाया। सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन विभाग द्वारा सुधारीकरण का काम नहीं किया गया, जिससे वाहन चालकों के साथ लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव की लाइफलाइन कह जाने वाली सड़क गोपेश्वर मुख्यालय से मात्र केवल जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर सरतोली, चमोली और आपका जो है लासी मोटर मार्ग जो है, यहाँ पे भारी भूस्खलन जो है बिना बरसात के हुआ था। PMJSY की ये सड़क और PWD की ये सड़क है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से भूस्खलन यहाँ पे हुआ था, तो संबंधित विभाग चाहे PWD हो या PMJSY की सड़क हो, यहाँ पे जिस तरह से लोगों ने जो है, ग्रामीणों ने यहाँ पे जो है श्रमदान किया है, क्योंकि विभाग की अनदेखी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद जो है भले ही यहाँ पे JCB जो है 2 घंटे बाद यहाँ पे पहुँचा हुआ हो, लेकिन कल का ये मामला है, कल यहाँ पे लोगों ने यहाँ की सड़क खोली है। तो ऐसे में भले सरकार जो है कितने भी दावे करे, चाहे आपका जो है चाहे उत्तराखंड सरकार हो या संबंधित विभाग हो, तमाम सारे योजनाओं को लेकर धरातल पर उतारने के लिए जो जीता जागता उदाहरण जो है सरतोली लासी मोटर मार्ग का आपको देखने को मिला है, कि यहाँ पे जो है ग्रामीणों ने जो है श्रमदान करके जो है रोड को खोला है, तो कहीं ना कहीं जो विभाग है वो उदासीनता यहाँ पे देखी गई है विभाग की। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है जिस तरह से जो सड़क को जोड़ने वाला जो मार्ग जो है, गाँव को जोड़ने वाला मार्ग जो है लासी का, ये लासी मोटर मार्ग है, इसको जोड़ने वाले मार्ग को जो है ग्रामीणों ने श्रमदान करके यहाँ पे स्वयं खोला। तो ऐसे में ग्रामीण जो, क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में जो ग्रामीण है या ग्रामीण जनता है, तो किस प्रकार से जो है चाहे भाजपा हो चाहे आपका उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार हो, किस तरह से वोट देगी, क्योंकि इनको जो है ग्रामीणों को जो है अपनी समस्या को लेकर स्वयं ही अपना आप काम करना पड़ता है। चमोली के थराली विकास खंड के सोलपट्टी में आए दिन भालू की तरफ से लोगों पर लगातार हमलों से चारों ओर दहशत का माहौल है। ताजा मामला सोलपट्टी के रुईसाण गांव का है, जहां अपने घर के पास खेत में बागवानी का काम कर रहे 75 साल के बुजुर्ग पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। घायल बुजुर्ग को ग्रामीण और परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी भालू ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। क्षेत्र है रुईसाण क्षेत्र, यहां पे लगातार 2 महीनों से जो जंगली जो भालू है, यहाँ पे भालू का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे लगातार जो है पिछले महीने में एक जो अध्यापक यहाँ पे भीम सिंह थे, उनको उसको भी घायल किया था भालू ने, और उसके बाद एक अर्जुन कुमार नाम का एक युवा है, युवा को भी उसने घायल किया था।
और लगातार जो कल और परसों की जो घटना है यहाँ पे लखपत राम और गोदाली राम को दोनों को भालू ने बहुत ही लहूलुहान किया और लखपत राम एम्स ऋषिकेश में इस समय एडमिट हैं और गोदाली राम को भी हायर सेंटर यहाँ से भेजा गया है प्राथमिक उपचार के बाद। तो यहाँ पे जो जंगली जो जानवरों का हिंसा का जो तांडव यहाँ पे चल रहा है, जो भालुओं का जो यहाँ पे लगातार जो सोलपट्टे के क्षेत्र में, रुईसांड क्षेत्र में, जो बूंगा बुरचोल के क्षेत्र में लगातार जो भालुओं की दहशत है, यहाँ पे जो महिलाएं जंगल जाती हैं चारा पत्ते के लिए, जब अपने खेत खलिहानों में काम करने जाती हैं तो वो महिलाएं भी काम करने नहीं जा पा रही हैं। जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो अपने गाय भैंसों के साथ भी दहशत के मारे जो है जंगल में अपने चारा पत्ते के लिए अपने गाय मवेशियों को चराने भी नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ पे लगातार जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं शासन प्रशासन से, वन विभाग से मांग करते आ रहे हैं कि इन भालुओं पे से निजात दिलाया जाए, इनको यहाँ से या तो पकड़ करके कहीं और ले जाया जाए या तो इनको मारने की अनुमति मांगी जाए। और जहाँ तक हमारे अभी दूरभाष पे जो यहाँ के रेंजर हैं हरीश थपलियाल जी, उनसे हमारे दूरभाष से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे जो तीन घटनाएं जो लगातार हो गई हैं, भालू ने जो तीन घटनाएं लगातार हमला किया है, उस हमला को देखते हुए उन्होंने हमसे दूरभाष पे कहा है कि हमने अपने रेंजर को और इसको जो मारने की या उसकी जो भी अनुमति जो उनके कानूनी जो भी बाध्यताएँ हैं, जो नियम कानून हैं उनके, उसके अधीन वो कार्रवाई कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर चीफ वार्डन से अनुमति उस जो जीव जंतु है जंगली जीव जंतु उसको मारने की अनुमति भी मिलती है जब किसी को वो मार देते हैं जंगली जानवर। लेकिन यहाँ पे हमने उनसे जब कहा कि यहाँ पे लगातार ये चौथी वारदात हो गई है एक डेढ़ महीने के अंदर का, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और विभाग को भी ये संवेदनशील होकर के देखना पड़ेगा कि इस भालू को, इन भालुओं को के आतंक से यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं, क्योंकि जंगल का इलाका है और देहाती इलाका है, तो यहाँ पे लगातार लोगों में दहशत बनी हुई थी। इसके लिए कुछ ना कुछ वन विभाग प्रशासन के लिए भी यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। आप देखना ये होगा कि जो रेंजर हरीश थपलियाल जी हैं उन्होंने जो आश्वासन हमको दूरभाष पे दिया है, अब इस पे क्या वो कार्रवाई करते हैं, क्या अमल में लाते हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको जो जंगली भालुओं और जो से के आतंक से किस ढंग से निजात वो वन महकमा दिलाता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए थराली से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। क्षेत्र के ग्राम सभा रुईसांड एवं डोंगरी ग्राम सभा में लगातार 2-3 महीनों से जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है। इसमें जंगली भालू लगातार आए दिन लोगों पर अटैक करते जा रहा है। एक महीने पहले यहाँ पर गुप्तारा में शिक्षक श्री भीम सिंह जी, उसके बाद अर्जुन कुमार और उसके बाद लखपत राम जी और कल गोदाली राम पर भालू ने अटैक किया है। तो हम विभाग से, ये वन विभाग से चाहते हैं कि जल्द से जल्द या तो मारने के आदेश दिए जाए या वन विभाग खुद इसको बंद पकड़े। एक ग्राम सवार विषाण में भालू का आतंक फैला हुआ है जिसमें कि 4 आदमी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वन विभाग या तो भालू मारने का आदेश दें या अपनी गिरफ्त में लें। हमें चारा घास के लिए काफ़ी मुश्किलें हो रही है तथा बच्चे पैदल स्कूल जा रहे हैं, किसी को जान से मार सकता है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में एक बार फिर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। 2 दिन तक चलने वाली हड़ताल की वजह से करीब 250 करोड़ का ट्रांजैक्शन ऋषिकेश में प्रभावित होगा। आपको बता दें कि निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने रेलवे रोड स्थित स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर बैंक कर्मचारियों को बेरोजगारी की कतार में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। पर हमारी जो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं वो और हमारी केंद्र सरकार ने इस समय जो संसद में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें 2 बैंकों के निजीकरण के संबंध में बिल प्रस्तुत करने के का प्रस्ताव रखा है। हमारा ऐसा मानना है कि ये 2 बैंकों का निजीकरण जो वो कर रहे हैं ये सभी सरकारी बैंकों के निजीकरण की शुरुआत है और इसके अगले क्रम में और सारे जो बाकी बचे हुए सरकारी बैंक हैं उनका भी निजीकरण सरकार करेगी। और इसी निजीकरण के क्रम के विरोध में आज और कल 16 और 17 दिसंबर को सारे देश में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन सब में 2 दिन की हड़ताल है जिसमें लगभग 10 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं।
लगभग कितना ट्रांजेक्शन का इसमें लॉस होगा? ऋषिकेश सेंटर की अगर बात करें तो दो दिनों में लगभग क्लियरिंग में 250 करोड़ के आसपास का यहाँ पे नुकसान होगा, और लगभग ओवरऑल ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान होने की संभावना। चंपावत के बनबासा में भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। यहां नेपाल से भारत आ रहे 25 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक साथ कोरोना के इतने मामले सामने आने पर प्रशासन ने मैत्री बसों को नेपाल वापस लौटा दिया है। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के साथ ही भारत नेपाल सीमा खुलने से दोनों देशों में कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। भारत नेपाल सीमा के बनबसा पोस्ट पे कल काफ़ी लोग जो नेपाल से भारत में आ रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसमें कई वो लोग भी शामिल हैं जो मैत्री सेवा के थ्रू इंडिया में आ रहे थे। हमारे द्वारा वहाँ पे पूर्व में ही कोविड चेकिंग करी जा रही है, जिसमें कि ये लोग पकड़े गए हैं। ऐसे लोग जो कि कोविड पॉजिटिव आए उनको हमने वापस भेजा है, कुछ बसें भी हमने वापस करी हैं, और हम लोगों ने अभी चेकिंग और जो हमारी सैम्पलिंग है उसे और बढ़ाया है, ताकि यदि और भी कोई इस तरीके के पॉजिटिव लोग आते हैं तो उनकी जांच हो सके और ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत उनपे कार्रवाई की जाए। सितारगंज के आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों ने नगर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता रैली निकाली। राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज के प्रधानाचार्य बीपी वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान उनके सभी साथियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया। यहाँ आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज के बच्चों की मतदान जागरूकता अभियान पर एक रैली निकाली गई। यह रैली विद्यालय से चौराहे तक गई, साथ ही एक छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, मंचन किया गया, और उसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि मतदान हमारा पवित्र अधिकार है और इस अधिकार के बिना लोकतांत्रिक सहभागी लोकतंत्र की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपने वोट के महत्व को समझना है और प्रत्येक बीएलओ से मिलकर के प्रत्येक 18 वर्ष वय का प्रत्येक नागरिक जो छूट गया है वो अपना मतदाता पहचान पत्र अर्थात ईपिक बनवाए। साथ ही यह इन बच्चों के माध्यम से समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि सामुदायिक सहभागिता इस तरह बढ़ाया जाए कि सहभागी लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप साकार हो सके और भारतीय जनतंत्र की मजबूती कायम हो सके। धन्यवाद। लालकुआ स्टोन क्रेशरों पर कम किराया देने और राज्य सरकार पर रॉयल्टी कम न करने का आरोप लगाते हुए खनन व्यवसायों ने मोटा हल्दू चौराहे पर धरना देते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान खनन व्यवसायों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। सिर्फ इसमें गाड़ी स्वामी ही नहीं, यहाँ पर का जो पूरा तबका है, हमारी पूरी विधानसभा में लगभग 90% लोग जो भी हैं आज इस गोले के भरोसे ही जिंदा हैं, और तकरीबन लाखों लोग जो गोला के लिए मजदूर लोग बाहर से आए हैं वो भी अंदर परेशान हैं। ये सिर्फ स्टोन केसर वालों की अपनी मोनोपोली है। ये लोग सिर्फ इस गोला के काम में एक छत्र राज बनाना चाह रहे हैं, और मोटर मालिकों के लिए इनके मन में बिल्कुल भी मान सम्मान कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी शर्तों से हमें काम करवाना चाह रहे हैं, और रेट ऐसे हैं कि शायद अगर हम इनके रेटों में बात करें, इनके रेटों में हम लोग चलें, तो शायद हम लोगों को जो हमारे पास जो थोड़ा थोड़ा ज़मीनें बची हुई हैं वो सब बेच करके इनका पूरा करना पड़ेगा। हमारी मांगें हैं, हमको मान सम्मान वाला रेट चाहिए, ऐसा रेट कि जिसमें हमारे बच्चे भी पल जाएँ और इनका भी इनके बच्चे भी पलें। हमारे कारोबार को प्रभावित हुए 8 दिन हो गए हैं और हमें आज दूसरा दिन यहाँ पर धरने में बैठा हुआ हो गया। सरकार हमारी सुन नहीं रही है। सीएम को हमने ज्ञापन दे दिया, एसडीएम को हमने ज्ञापन दे दिया, सरकार के प्रतिनिधि लगातार हमारे साथ आके अपने संबंध स्थापित कर रहे हैं सरकारी अधिकारियों से, लेकिन कोई हमारी सुध लेने वाला इस समय अभी तक कोई आया नहीं है। हजारों हजार के तादाद में इस समय जो है बाहर से आए हुए मजदूर भी बेरोजगार हो रहे हैं, साथ में जो है यहाँ पर डंफर स्वामी जो हैं लगभग 7000 जो है परिवार जो है डंफर स्वामी जुड़े हुए हैं रोजी से,
वो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। और पिछले कोरोना काल से हम लोग कोई भी गोला से हमारा जो है गोला जो है हम 4 महीने काम करते हैं और 12 महीने हम उसी गोला पर आश्रित रहते हैं, हमारा परिवार चलता है। लेकिन पिछले 2 साल से हमें उचित रेट नहीं मिल पाने के कारण हम लोग जो है बहुत परेशान है, इसलिए यहाँ पर धरने में बैठे हैं। आज गुरुद्वारा माता साहिब कौर में बाबा कश्मीर सिंह जी की 7वीं बरसी में जिन किसानों ने किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी उन किसानों को दिनेशपुर माता साहिब कौर गुरुद्वारे में सम्मानित किया गया। उसके अलावा 3 काले कानून जो वापस हुए हैं उसकी खुशी में किसान मोर्चा फतेह मार्च निकाला गया। किसानों का कहना था कि ये बिल अगर टाइम रहते हैं जल्दी वापस हो जाते तो 700 से ज्यादा किसान शहीद नहीं होते। रैली ऐसा ही है, रैली जो हमारी विजय रैली निकाली गई है जिससे हमारे किसानों का जो 1 साल से ऊपर हो गया था बैठे हुए थे उनकी जो मांगे थी और सरकार द्वारा मांगे जो मानी गई हैं उसके लिए ये रैली निकाली गई है। और एक ये संदेश है कि अगर किसी कोई भी चीज़ दिल से और सब कौम मिलके एक साथ अगर उसके लिए संघर्ष करते हैं तो उसमें विजय होती है, चाहे किसी के भी प्रति, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना सहनशाह हो, अगर उसके मांगे जायज हैं और अगर वो अपना हक लेना चाहते हैं तो अगर एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें विजय होता है। और यही मैसेज हम देना चाहते थे कि जो विजय है ये हमारी अकेले की नहीं है, सब धर्म और सब कौम और सबकी है, व्यापारी के लिए है, किसानों के लिए है, एक दुकानदार के लिए, एक मजदूर के लिए है, ये इसमें किसी का भी कोई जाति है, कोई धर्म से विशेष नहीं है, ये एक जो सत्य की तरफ है ये उसकी विजय है। हम लोगों ने आज हमारे यहाँ बाबा कश्मीरी सिंह जी जो हमारे यहाँ आदर्श रहे हैं और गुरुद्वारे की स्थापना जिन्होंने करी दिनेशपुर की, उनका आज उनका वो दिवस था तो उस मौके पे हम लोगों ने यहाँ पे किसानों को सम्मान किया है जिनकी वजह से आज ये इतना बड़ा जो ये काला कानून हुआ था और वापस हुआ है और देश में एक नए जो लोकतंत्र के लिए जो एक संदेश गया है कि वास्तव में जो ये पंजाब की कौम है, जो पंजाबी कौमत बनी है, ये वास्तव में हिंदुओं की रक्षा के लिए बनी है और ये आज संदेश दिया गया है। हम सब लोगों को धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों ने इसमें मिलकर इतना बड़ा सहयोग किया, शहर वालों ने, सब लोगों ने, दिनेशपुर के सब क्षेत्र में और पूरे ग्रामीणों ने खासतौर पर विशेष सहयोग रहा, हम उनका धन्यवाद देते हैं। और आज ये फतेह जो हमारी हुई है, जो हमारे उसमें कहा जाता है फतेह दिवस के रूप में इसे मनाया गया है। कालाडूंगर में अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड नैनीताल के अंतर्गत ब्रिटिश कालीन नहर बोर कैनाल कालाडूंगी में मौजूदा समय में नहर के लिए सुरक्षा दीवार का काम प्रगति पर है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा दीवार काम को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो निजी ठेकेदार की तरफ से सुरक्षा दीवार निर्माण काम में अनियमितताएं बरती जा रही है। सुरक्षा दीवार के निर्माण का काम मानकों के खिलाफ किया जा रहा है। है कि उसमें ये कार्य विगत 2-3 महीने पहले भी दीवार इसकी बन चुकी है, 2-3 बार ये दीवार बन चुकी है, दोनों बार ये बह गई थी, टूट गई है, तीसरी बार ये सिंचाई विभाग द्वारा फिर बनाई जा रही है। तो तीसरी बार भी क्या है कि इसमें अभी अंदर से इसका बिल्कुल भरान नहीं हुआ है, जो हमारी उसमें ऊपर से ऐतिहासिक नहर गई है एक, उसमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं है अंदर से उसमें से पानी रिस रहा है, गिर रहा है और उसको वैसे ही ढक दिया गया है और जो उसमें रेता लग रहा है वही नाले का खोद के ही उसमें रेता लगाया जा रहा है। जो हमारी ये ऐतिहासिक नहर है ये हमारे टोटल नीचे पूरे जो गांव हमारे जुड़े हुए हैं ब्लॉक के, यहाँ से कुआडाट, देवलचौर, चगलुआ सब होते हुए नहर हमारी गई है, सिंचाई के काम आती है और उसकी भी कोई सुरक्षा इस दीवार के माध्यम से नहीं हो पाएगी क्योंकि अंदर से पूरी ये दीवार अंदर से खोखली है और इसमें भरान नहीं किया गया है बिल्कुल अंदर से। चमोली में केंद्रीय विद्यालय के 59वें स्थापना दिवस पर गोपेश्वर केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में छात्र छात्रा, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक और अभिभावक काफी उत्साहित थे कि भारत में केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर आपको बता दें गोपेश्वर केंद्रीय विद्यालय ने बड़े धूमधाम से इसको मनाया। छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से किया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है जिसके चलते राजनीतिक दल चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में लगातार नेताओं की रैलियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी की ओर से रुड़की में एक विशाल जनसभा आयोजन की गई जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने शिरकत की। इस दौरान चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों की भीड़ भी कार्यक्रम में मौजूद रही। रावण ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए
अन्य राजनीतिक दलों पर जमकर हमला किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।